नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज के जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दीपावली के विषय में। और इस दीपावली के दिन हर कोई चाहता है कि उसे घर में बरकत हो, महालक्ष्मी का वास हो और धन दौलत उसके ऊपर बरसती रहे। सौभाग्य चाहता है, समृद्धि चाहता है, सुख शांति चाहता है, परिवार का सुख चाहता है। दोस्तों, इसी विषय में हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि बस आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अंत में हम आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताएंगे और कुछ एक गुप्त बात भी जरूर बताएंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम आपके लाए हैं, इन 11 जगहों पर जरूर जलाएं दीपक, साल भर बरसेगी माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसी जगह बताएंगे जहां आपको अपने घर में इस दीपावली के दिन दीपक जलाने चाहिए और इससे माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होगी। ये वीडियो आप पूरी अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, आप कहीं भी कोई गलती ना करें और माता लक्ष्मी की आपके घर पे, आपके परिवार पे पूरी महाकृपा हो और आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो, आनंद और सुख समृद्धि से और समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ बीत जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंत में कुछ ध्यान रखने वाली बातें जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं वो आप ना कर पाए वह बात भी बताई जाएगी। बस देखते रहें अंत तक ये वीडियो। अब बात करते हैं अपनी आज की इस वीडियो के विषय के बारे में, इन 11 जगहों पर जलाएं दीपक, साल भर बनी रहेगी महालक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक हर रोज घर आंगन में दीपक जलाने की परंपरा रही है। मुख्य पर्व दीपावली के दिन तो आप ढेरों सारे दीपक जलाकर चारों ओरों का अंधकार दूर कर देते हैं और जैसे दीपावली का संदेश है अंधकार पर विजय पाने का, वह आप सार्थक कर देते हैं। लेकिन इस मौके पर आपको कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने चाहिए ताकि पंच महोत्सव का पुण्य फल आपको मिले और पूरे साल महालक्ष्मी और महागणेश जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। पहली है दीपावली की संध्या यानी दीपावली की शाम पर लक्ष्मी पूजन से पहले आपके मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए। दोस्तों, घर के आंगन में तो आप घी का एक दीपक आंगन में जरूर जलाए और अगर आंगन नहीं हो तो आप अपने ड्राइंग रूम या फिर घर के बीचों बीच आप अपने देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, यदि संभव हो सके तो आप देसी घी, गाय का देसी घी इस्तेमाल करें और यदि इसमें भी संभव हो सके तो घर का बना हुआ, नहीं तो बाजार का। और यदि ये भी संभव ना हो दोस्तों तो जैसा भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं देसी घी, उस प्रकार के देसी घी का आप दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, दूसरी बात जो है, नजदीक के मंदिर में जाकर के आप दीपदान जरूर करके आए। आप 5 या 7 घी के दीपक ले जाए और अपने इष्ट देव के अलावा शिव मंदिर व अन्य मूर्तियों के सामने भी दीपक जरूर जलाएं और समृद्धि की कामना करें। दोस्तों, समृद्धि की कामना आपको मन मन में करनी है, कोई बात नहीं। दोस्तों, आपको अंत में हम कुछ खास बातें बताने ही वाले हैं, उसी के दौरान आपको सब बता देंगे। तब तक आप सभी जानकारी हासिल कर लें और कोई भी बात आपसे चूक ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरी बात जो है, घर के नजदीक जो आपके पास जो मुख्य चौराया हो उस पर दीपक जलाकर जरूर आए। चौथी बात जो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाकर आए। अपने घर और घर के आसपास कहीं भी अंधेरा दिखे तो संकोच ना करें और वहां दीपक जलाकर जरूर आए। पांचवी बात, रात को अपने शयन कक्ष यानी कि आपका बेडरूम जो है उसमें घी का दीपक जलाएं, लेकिन साथ ही इसमें कपूर भी रख दें। कहते हैं कि इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है दोस्तों, और जिस घर में कलह नहीं होता, जहां मधुरता होती है, जहां प्यार होता है, वहां भगवान वास करते हैं। और जहां लड़ाई झगड़े कलह आदि होते हैं वहां भगवान भी वास नहीं करते दोस्तों, 4 लाख उपाय कर ले फिर। दोस्तों, छठी बात जो है, गृहस्वनी दीपावली की रात खाना बनाने से पहले 2 दीपक रसोई घर में जरूर जलाए। यानी जो अभी गृहिणी है आपके घर में, जो भी व्यक्ति खाना बनाता हो, आपकी वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो या आपकी माताजी हो, वो रसोई घर में खाना बनाने से पहले 2 दीपक जरूर जलाएं।
इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में जो आपके खाद्यान्नों के भंडार है उनकी वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यही चाहिए और इन सब के लिए चाहिए पैसा। दोस्तों, यदि आपके घर में पैसा होगा तभी यह सब चीजें होंगी, अर्थात यदि आपने ऐसा किया, अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी, आपके घर में खाद्यान्न आएंगे, खाद्यान्न के लिए आपके पास पैसा आएगा। दोस्तों, सातवीं चीज है, अगर आपके पास वाहन है तो वाहन के समीप एक दीपक जरूर जलाएं। वाहन यानी स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल भी हो तो भी जरूर जलाएं। आठवीं बात है दोस्तों, तिजोरी में ना सही लेकिन तिजोरी के नजदीक भगवान कुबेर की प्रार्थना करते हुए एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे दोस्तों साल भर तिजोरी भरी रहने के योग बनते रहते हैं। नौवीं बात दोस्तों, घर के पास नदी या नहर बहती हो तो उसके किनारे पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा संभव ना हो तो घर में नल या जल के किसी भी स्रोत के नजदीक एक दीपक जरूर जलाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी जल के रूप में भी घर में मौजूद रहती है। दसवीं बात दोस्तों, दीपावली की रात घर के चारों कोनों के चार मुख दीपक वाले, यानी ऐसा दीपक जिसके चार मुख होते हों, चारों कोनों पर जरूर जलाएं और भगवान गणेश जी से अपने चारों तरफ से सुख और समृद्धि की कामना जरूर करें। आपको चौमुखा दीपक जलाने से गणेश जी से प्रार्थना करनी है दोस्तों। दोस्तों, ग्यारहवां और अंतिम है, इसके बाद हम आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें और गुप्त बात जरूर बताएंगे। दोस्तों, ग्यारहवीं बात है, दीपावली की रात पूजन के बाद तुलसी के पौधे के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं जो कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात है जो हमने आपको बताया कि आपको अपने घर के दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है संध्याकाल उस समय दोस्तों जब सूरज तो छुप गया हो लेकिन अंधेरा ना हुआ हो, उस समय पर आप ये दीपक जलाएं। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप जो मंदिर में जाकर के दीप दान करने वाले हैं, कोशिश करें कि आप मूर्ति के जितने पास, भगवान की प्रतिमा के जितने पास जाकर के आप मंदिर में दीपक जलवा सकते हैं उतना जलाएं, अन्यथा आप वहां मौजूद पुजारी को भी दीपक जलाकर कह सकते हैं कि आप इनके समीप रख दें। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास चौराहा ना हो तो आप किसी भी दूर दराज के सुनसान पड़े हुए चौराहे पर भी आप ये कार्य कर सकते हैं दीपक जलाने वाला। दोस्तों, जो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, आप यदि हो सके, जितना हो सके यह ध्यान रखें कि आपको यह उपाय करते हुए कोई देख ना ले। दोस्तों, अपने रसोई घर में जो आप दो दीपक जलाने वाले हैं उसके साथ ये ध्यान रखें कि जब खाना बनने से पहले तो आपको दो दीपक जलाने हैं, लेकिन जब खाना बन जाए उसके बाद जब सारी रसोई की सफाई कर चुके हों तो आप रसोई में एक बाल्टी किसी भी धातु की बनी हुई, प्लास्टिक की नहीं, किसी धातु की बनी हुई, कोई छोटी या बड़ी कैसी भी बाल्टी हो, उसमें साफ पानी भर के रसोई में अवश्य रख दें। दोस्तों, तिजोरी के पास जो आप कुबेर महाराज के लिए दीपक जलाने वाले हैं उसमें दोस्तों आपको विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है कि दीपक का जो मुंह होता है वो आपको तिजोरी की ओर करके रखना है। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास कोई नदी आदि नहीं बहती है तो आप अपने नल के पास, अपने घर के जो नल होता है जो हाथ से चलाते हैं, हत्था मार के जो चलाते हैं, उसके पास आप नल की ओर मुख करके उस दीपक को जरूर जलाएं, नल के नीचे रख के। यदि नहीं है तो आप जो घर में, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी का फ्लैट आदि होता है तो वहां पर जो आपके सिंक आदि होता है, नल होता है, उसकी ओर मुख करके दीपक को जलाएं। दोस्तों, जो आप चारों कोनों का दीपक जलाने वाले हैं, यदि संभव हो तो घर के जो आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं उस आटे का दीपक बनाएं और उसको जलाएं। दोस्तों, जो तुलसी के पौधे के नीचे हम दीपक जलाने वाले हैं, तुलसी के नीचे जो दीपक जलाएंगे उस दीपक का मुंह भी तुलसी के तने की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।